हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम भी। फिर से आपका एक बार स्वागत है इस चैनल पर, जिसमें आपको तैयारी कराते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स की। राइट, तो आज की वीडियो में देखो, जैसे कि हमारा टॉपिक अब चल रहा है मेनली 2023 के, सभी देखो एग्जाम सभी ओवर हो चुके हैं, अब टारगेट हमारा 2024 है। ठीक है, अब समझना थोड़ा सा गाइस ये है कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, कि जब भी कोई एग्जाम आ रहा है तभी उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, है ना। जब भी कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तभी उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, बट चीज़ें शायद वो वर्क नहीं कर रही है। ये लोग आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, इवन एग्जाम खत्म होने के बाद ही एक्सपीरियंस थोड़ा सा तो आता है, बट कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो एक्सपीरियंस भी मतलब निगलैक्ट हो जाता है, और फिर हम अपने मतलब डेली लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तैयारी को भूल जाते हैं। इस बार वो नहीं करना है, हमने ठाना है, आप लोग भी ठानिए इस चीज़ को, कि इस बार वो नहीं करना है। 2024 की तैयारी अभी से, आज ही से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसकी अभी हमने इसी चैनल पर शुरू कर दी है तैयारी करानी, वो आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ वीडियोस ऑलरेडी आउट है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। रीजनिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस जो भी होते हैं दोनों में रीजनिंग का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, ठीक है। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि वाकई में लोगों को परेशान करते हैं। बैंकिंग और एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें मेन जो डिफरेंस रहता है वो रीजनिंग का ही रहता है, क्योंकि एसएससी एग्जाम्स में रीजनिंग थोड़ी सी अलग पूछी जाती है, जबकि बैंकिंग एग्जाम्स में रीजनिंग का जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े अलग ग्रुप क्वेश्चंस रहते हैं, पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स का वेटेज ज़्यादा रहता है यहाँ पर। तो रीजनिंग का जो मेजर डिफरेंस है उसको टैकल करने के लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा 2024 के लिए, क्या आपकी रणनीति हो सकती है कि आप रीजनिंग को टैकल कर पाएं। ये रणनीति आपको इस चैनल पर भी फॉलो कराई जाएगी, तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी कोई इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिगिनर्स के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप स्टार्ट करें तो आप इसमें कर सकते हैं। इवन बिगिनर्स के लिए है तो ऑब्वियसली जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए तो जहां से वो भी आप पेस पकड़ना शुरू करेंगे उसी के आगे से इस तरीके से आप पेस पकड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मंथ वाइज टारगेट बात करेंगे, पहली बात मैं आपको दूंगा यहाँ पर मंथ वाइज टारगेट। लास्ट वीडियो में किरण सर ने भी आपको बताया था, यहाँ पर स्पेसिफिकली रीजनिंग की बात करेंगे और थोड़े से मंथ वाइज टारगेट रखने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे टारगेट्स रखने से ये होता है कि उनको एक तो अचीव करना ईजी होता है, और जब हम उनको अचीव कर लेते हैं तो एक विजिबल रिजल्ट दिखता है जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को काफ़ी बूस्ट करता है। तो उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स उनको अचीव करना बहुत जरूरी है, टाइम टाइम पर अपनी टेस्टिंग करनी भी बहुत जरूरी है। तो क्या क्या चीजें देखो पहले कर सकते हैं वो चीजें देखेंगे। 25+ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज है बैंक में 2024 में गाइस, आप देख सकते हो। ये सभी एग्जाम्स आप एक्सपेक्ट कीजिए, इवन एक्सपेक्ट कीजिए, मानिए कि यहाँ पर आने ही वाले हैं नेक्स्ट ईयर, आपको ये सभी एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक कमाल की बात यह है कि इन सब का जो सिलेबस है वो सेम है, एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस हो सकता है बट सिलेबस में सेम है। यानी कि जो भी आपको रीजनिंग देखने को मिलेंगे सभी में जो टॉपिक्स है रीजनिंग के वो सेम है। तो अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो ये 25+ गवर्नमेंट एग्जाम्स कुल मिला के 50,000+ वैकेंसीज के लिए आप सीधा सीधा कॉम्पिटेट करेंगे, और अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से टैकल कीजिए कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं, उन 50,000 वैकेंसीज के लिए, उन 25+ गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लिखी है। SBI, PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, मेजर एग्जाम्स है। इंडिविजुअल बैंक कराते हैं अपने, J&K हो गया, कर्नाटका हो गया, नैनीताल हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI हो गया, BOI हो गया। इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं, LIC दुनिया भर के कोई नोटिफिकेशन निकालता है, GIC निकालता है, अभी भी देखो GIC ने निकाला है, LIC, HFL हो गया, UIICL हो गया, बहुत निकलते हैं, ठीक है। बैंकिंग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए Scale 2, Scale 3, SBI, CBO, ये सब नोटिफिकेशंस निकलते हैं। इसके अलावा RBI निकालता है, रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम, SO एग्जाम्स है, बहुत सारे एग्जाम्स निकलते हैं जिन सब में रीजनिंग का जो टॉपिक्स है, जो सिलेबस है वो सभी सेम है गाइस, ठीक है। चलिए एक सिलेबस से, एक तैयारी से आप 25+ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, आज ही से इस तैयारी को गाइस स्टार्ट कर दीजिए, वरना बाद में देखो पछताते ही रहोगे, हर बार की तरह कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसका कैलेंडर बहुत जल्दी आउट हो जाएगा 2023 में, जो ये डेट्स थी एक्सपेक्ट करते हैं कि डेट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, बस संडे सैटरडे जो उस वीक में पढ़ रहा होगा उस पर वो कर देंगे एग्जाम्स को। एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो आगे पीछे 2-3 दिन का फर्क ही रहेगा, ज़्यादा दिन का फर्क वहां पर नहीं रहेगा,
से लेके 21 तारीख के बीच में आपको ये कैलेंडर दोबारा से देखने को मिल जाएगा आईपीएस की वेबसाइट पर 2024 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के सिलेबस की पहले बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे सामने पजल्स, मेजर टॉपिक है रीजनिंग का। मैं आपको बता दूं, पहले तो वेटेज बता दूं क्या क्या रहता है। देखो, रीजनिंग का जो वेटेज रहता है गाइस, अगर मैं नॉर्मली बैंक पीओ की बात करूं, हालांकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग है, बैंक पीओ में अगर मैं क्लर्क में अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो रहता है जनरली प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स में आउट ऑफ 100 या 35 मार्क्स का, और मेंस में इसका 60 मार्क्स का वेटेज रहता था, जो 50 मार्क्स का भी कुछ एग्जाम्स में होने लगा है। तो मेजर पोर्शन है, मतलब दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस आपको देखने को मिलने ही वाला है और काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। इसलिए मैंने वेटेज यहाँ पर ज्यादा रखा नहीं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में ये चीजें वेरी करती है। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पजल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिला के रीजनिंग का 50% पोर्शन कवर करते हैं, मीन मोर देन 50% पोर्शन ये दोनों टॉपिक्स ही कवर कर लेते हैं। तो जरूरी है कि इनकी आप टॉपिक वाइज आप स्टडी करें। टॉपिक वाइज हम रैंडमली पजल्स उठा देते हैं पढ़ना या पजल लगाना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, इस बार पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स को आप टॉपिक वाइज, आप टाइप वाइज इनको कीजिए, टाइप वाइज इनको कीजिए। आपके लिए जैसे कि मंथ प्लस डेट हो गया है ना, और हमारा ईयर प्लस मंथ हो गया, बॉक्स बेस हो गया, फ्लोर हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जो आजकल चल रहे हैं। सेटिंग अरेंजमेंट में जैसे पैरेलल रो हो गया, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन चाहे लीनियर हो या फिर चाहे सर्कुलर हो, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगुलर हो गया, ठीक है, मूवी थिएटर वाले क्वेश्चंस हो गए, इस तरह के जो भी लेटेस्ट टाइप आपको चल रहे हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है। और टाइप वाइज ही आपको प्रैक्टिस करनी है, सबसे जरूरी है टाइप वाइज प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन मिल जाता है। अगर आप अभी भी ट्रेडिशनल चीजों पे लगे पड़े हो, बाकी वही चीजें कर रहे हो, तो देखो भाई थोड़ी मुश्किल होने वाली है। ठीक है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट दो टॉपिक। थर्ड टॉपिक है सिलॉजिज्म, दो तरह का आता है। प्रीलिम्स में जो है वो नॉर्मल सिलॉजिज्म आता है, जबकि मेंस में यही रिवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और रिवर्स सिलॉजिज्म के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है इनइक्वालिटी, दो टाइप की आती है, सिंपल इनइक्वालिटी और कोडेड इनइक्वालिटी। आजकल जो देखा गया है, और इनइक्वालिटी का वेटेज थोड़ा कम हो गया है, जो कि जहाँ तक पहले 5 मार्क्स का रहता था, अब ये 3 मार्क्स में यहाँ पर कन्वर्ट होता जा रहा है, थोड़ा सा वेटेज इसका कम हो गया है। कोडेड इनइक्वालिटी आपके मेन्स एग्जाम में पूछी जाती है, अगर पूछी गई तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस। इनके दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड और कोडेड। स्टेटमेंट बेस्ड हमारे प्रीलिम्स में और कोडेड हमारे मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, तीन तरह की पूछी जाती है। ओल्ड पैटर्न, ओल्ड पैटर्न आजकल बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया उन्होंने, तो इसको भी नहीं बात करेंगे। सिचुएशनल कोडिंग रहती है या फिर कंडीशनल कोडिंग बोला जाता है, ये आती है। चाइनीज कोडिंग आती है प्रीलिम्स में, उसके अलावा हमारा आता है लॉजिकल कोडिंग, ये आती है हमारे मेन्स एग्जाम में। सिचुएशन कोडिंग जनरली क्लर्क क्लरिकल एग्जाम्स में पूछी जाती है, और चाइनीज कोडिंग जो है वो पीओ के में प्रीलिम्स में, क्लर्क के प्रीलिम्स में भी ये पूछी जाती है, और लॉजिकल कोडिंग जो है वो पीओ और क्लर्क दोनों के ही मेंस एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगर, तो मशीन इनपुट मेंस एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीलिम्स के लेवल का नहीं है ये, मेंस एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का वेटेज, डेटा सफिशियंसी प्रीलिम्स में भी और मेंस भी पूछा जाता है, 5 5 नंबर का, दोनों ही में ही वेटेज है, कुछ भी इसमें नया नहीं रहता। जो भी पुराने टॉपिक्स हैं उन सभी का यहाँ पर क्लब करके इसके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्लरिकल एग्जाम्स के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीओ में इसका वेटेज नहीं रहता है, पीओ में नहीं पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। 5 नंबर का इसका एक सेट, यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सभी ग्रुप में भी ग्रुप क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी सिंगल सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही रहेगी, उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको जितने भी क्वेश्चन के टाइप के मिलने होंगे वो आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग यहाँ पर गाइस कुछ भी नहीं रहने वाला है, जो भी मिलेगा सब ग्रुप मिलेगा। आगे बात करते हैं अदर ऑर्डर रैंकिंग एंड अदर मिसलिनियस टॉपिक्स, जिनमें कि हमारे वर्ड फॉर्मेशन, सेट ऑफ लेटर्स, इस तरह के टॉपिक्स रहते हैं एक एक नंबर के। ऐसे आपको देखो 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, सिंगल सिंगल जो क्वेश्चन रहते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा,
और 6 to 8 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। ये पूरा वर्बल रहता है, ठीक है, इसमें कुछ भी काम नहीं करना होता, कुछ भी पेन पेपर नहीं चलाना होता, ये एक तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स है, सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस है रीजनिंग का बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। किसी भी बैंकिंग एग्जाम में आपको इनके बाहर कोई भी टॉपिक देखने को नहीं मिलने वाला है गाइस, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं क्या, कि पहली बात तो सबसे जरूरी क्या है जानना, लेवल ऑफ क्वेश्चन, किस लेवल के किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो और आप पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, या फिर आप पीओ की तैयारी कर रहे हो और आप क्लरिकल के प्रीलिम्स के लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी पहले सिलेबस जान लिया हमने अभी जाना, उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चन, ये आपको पता कहाँ से चलेगा, आपको सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम एनालिसिस, प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस, जो कि बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पर इनकी वीडियो आपको मिल जाएगी गाइस। हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, इन सबको आप नोट कीजिए एक नोटबुक पे, आज ही से एक नोटबुक बना लीजिए अलग से, जिसमें कि आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज अपनी नोट करते चलेंगे, क्या क्या चीजें आती है, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम एनालिसिस बहुत जरूरी है, जिससे आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन का अंदाजा लग सके कि किस पर्टिकुलर एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना लेवल नहीं पता होता, जिस वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रेक्शन होता है, पढ़ना होता है, कुछ पढ़ के चले जाते हैं, कुछ एग्जाम में फिर कुछ नहीं बनता, खाली बैठे हुए एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं। तो एग्जाम एनालिसिस जल्दी ही आपको हर किसी एग्जाम में कि जो भी 2023 में हुआ है उसके एनालिसिस वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी सारी की सारी, बहुत ही ज्यादा हम लोग अपलोड करेंगे, वहां से आप इसका आइडिया ले सकते हैं। अब कुछ टॉपिक्स जिन पर फोकस करना है मेनली, टॉपिक सभी फोकस करने वाले हैं, बट कुछ टॉपिक पर स्पेशल फोकस है क्योंकि वो एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल है। तो दो टॉपिक्स तो आप जानते ही हैं कौन से हैं, पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट। इसके अलावा दो टॉपिक्स और हैं, सिलॉजिज्म और डेटा सफिशिएंसी। ये 2023 के एनालिसिस पर बेस्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये चारों टॉपिक्स आपका लगभग 70% पोर्शन, 70 to 75% पोर्शन आपका रीजनिंग का कवर करते हैं ये चारों टॉपिक्स, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आप अगर इन्हीं टॉपिक को कर लेते हैं तो आप एक सफिशिएंट स्कोर रीजनिंग में आप कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर 35 मार्क्स का है तो लगभग 21 से 24 मार्क्स आप इन्हीं चारों टॉपिक से कर सकते हैं, जो कि एक डिसेंट स्कोर रीजनिंग में माना जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, बात करेंगे देखो मंथ वाइज टारगेट, छोटे छोटे से टारगेट्स हैं जो करण सर ने भी आपको दिए थे, उन्हीं टारगेट्स को मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ। जनवरी में आप अल्फा पेयर अल्फानूमेरिक सीरीज कीजिए, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की आप ओल्ड पैटर्न सिचुएशनल चाइनीज जो भी टाइप्स है वो आप कर लीजिए, इनइक्वालिटी पूरा लीजिए 50 सेट इजी लेवल की। इजी लेवल्स है ना हमारा एंड आई कोऑर्डिनेशन, हमारे पजल्स को पढ़ने की तरीके, इन सब चीज़ों से बहुत बहुत मतलब इन सब चीज़ों में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आती है इजी लेवल वाले क्वेश्चन से, तो ये करने बहुत ज़रूरी है। इजी लेवल का 50 सेट लीजिए और पूरे महीने में आपको बस इतना सॉल्व करना है जनवरी में। फरवरी में आप ऑर्डर रैंकिंग उठाइए, सिलॉजिज्म उठाइए, डायरेक्शन इनपुट आउटपुट उठाइए, इस बार आप 80 सेट्स लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, जनवरी और फरवरी में आपके सभी टॉपिक्स जो है वो आपके कवर हो जाएंगे यहाँ पर। अब आपके पास सिर्फ इतना काम है, मार्च में आपको डेली 4-5 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सेट लगाने हैं, और जो भी सभी टॉपिक्स आपके हो गए हैं उनके एक एक क्वेश्चन करना है डेली, एक एक क्वेश्चन, मतलब 4 से 5 सेट पजल लगाने में, अगर एक सेट में आपको इनिशियली 5 मिनट भी लगते हैं तो 4 से 5 सेट लगाने में आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। इसके अलावा आप अगर आप बाकी के 8 टॉपिक भी बचते हैं सबका एक क्वेश्चन लगाएं, और 1 मिनट में कह रहा हूँ इस टॉपिक में लगा रहे हो तो लगभग 8 से 10 मिनट, यानी कि आपको रीजनिंग को 1 आवर देंगे, अगर दैट इज मोर देन इनफ अगर आप फरवरी तक इतना कर लेते हैं तो, ठीक है। फिर अप्रैल में आप सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, मेंस लेवल की प्रैक्टिस कीजिए, पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स की मोस्टली आप प्रैक्टिस कीजिए, मई में भी आप रिविजन कीजिए, जो भी टॉपिक्स है वो तो चलते ही रहेगा, देखो रिविजन, सेक्शनल टेस्ट, मेंस लेवल प्रैक्टिस, जून में भी आप मेंस लेवल की प्रैक्टिस कीजिए। अब जून तक मेंस लेवल की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो अगस्त में आपका एग्जाम आना है या उससे पहले जुलाई में आपका मान लीजिए एग्जाम आना है, तो अब उसके आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको टारगेट्स आगे दे दूंगा, अभी फिलहाल आप इतना खींचिए ताकि आप जून तक एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर एक जगह पर स्टैंड कर पाए, ताकि जब आप मॉक टेस्ट लगाएं प्रीलिम्स का या मेंस का आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो। जून तक आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन खत्म कर लेनी, ताकि जब भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तब से आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने शुरू करें,
और जीए को पढ़ना है, तब हमसे हम स्टार्ट करेंगे। जीए को अभी से नहीं पढ़ रहे, जून के बाद यानी कि जुलाई से ही जीए पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना। बाकी हमारे साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं गाइज, तो हमारा एक कोर्स अवेलेबल है, कुछ मैं उसके फीचर्स आपको बता देता हूँ क्या क्या। देखिए यहाँ पर 35,000 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, 2 साल, दो हमारे पास टाइम है, 1 साल का ड्यूरेशन का और 2 साल का ड्यूरेशन का, आप किसी भी कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं, सभी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांट्स हो, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये सभी एग्जाम्स कवर है। जो भी 25+ एग्जाम्स आपको आपको दिखाए हैं, सभी के सभी इसमें कवर हो जाएंगे। 100+ मॉक टेस्ट है प्रीलिम्स के लिए, 25 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं प्रीलिम्स के, 40 मॉक टेस्ट है मेंस के लिए, 20 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं मेंस के, 10+ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, एग्जाम वाइज स्ट्रेटजीज वीडियोस मिलती हैं, वीकली टेस्ट होता है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं आपको, इवेल्युएशन होता है आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, ताकि आपको वहां पर भी जानकारी मिल सके कि आप कैसे उसमें हाई से हाई स्कोर कर सकते हैं। बोनस के रूप में आपको 1-on-1 इंटरेक्शन मिलता है विद फैकल्टी और एक्सपर्ट्स, आप सीधी बात कर सकते हैं अपने फैकल्टी से, बस आप और आपका फैकल्टी, ताकि आपको बता सके आपके टीचर, ताकि आपको बता सके कि किन किन चीजों में आप गलती कर रहे हो, आप अपनी बात उनसे कह सको। इतना अच्छा पॉइंट है, 600 से ज्यादा छोटे छोटे वीडियोज आपको मिलते हैं, जरूरत नहीं है आप लाइव क्लासेस का वेट करें कि टॉपिक 3 महीने बाद आ गया, 1 महीने बाद आएगा तो मैं तब तक वेट करूं, नहीं, कोर्स वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है आपके पास छोटी छोटी, वहां से कोर्स बिल्ड कीजिए, अपना काम शुरू कर दीजिए, इंटरव्यू गाइडेंस आपको इसी में मिल जाती है। तो ये बहुत एक पूरा का पूरा आपके पास चार्ट है, इतने सारे हमारे पास फीचर्स हैं इस कोर्स में, अगर आप इसमें एनरोल कराते हैं तो। टारगेट बैंकिंग 2024 एग्जाम नाम से आपको ये कोर्स मिल जाएगा, विजिट कीजिएगा www.iexamby.com, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी है लिंक है, आप वहां पर भी देख सकते हैं क्या क्या मेन फीचर्स है। 1-on-1 इंटरेक्शन विद फैकल्टी, आप और फैकल्टी सीधा सीधा बात कर सकते हैं, हमारे टाइम पर शायद ये चीजें नहीं होती थी, तो काफी चीजों में लैग कर जाते थे, फैकल्टी से बात ही नहीं कर पाते थे, फिर कमेंट में भी आंसर मिलने मुश्किल हो जाते थे, तो वो बड़ा एक मतलब प्रॉब्लम रहती थी। यहाँ पर आपको सीधा बात करने का मौका मिल रहा है, आपके पास एन नंबर्स ऑफ इंटरेक्शंस रहते हैं, आप फैकल्टी से जब चाहे तब बात कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट है, पर्सनलाइज एनालिसिस है, मेंटर की सपोर्ट आपको मिलती है, आपको एक मेंटर असाइन कर दिया जाएगा कोर्स के स्टार्टिंग में, जो कि आपके सिलेक्शन तक आपके और एग्जाम बी के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, जो भी आप सपोर्ट सीख करेंगे, उस सब के लिए मेंटर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा स्पेशल ईमेल आपको मिलेगी क्विक रिस्पॉन्सेज के लिए, कई बार क्या होता है कुछ रिस्पॉन्स के लिए जरूरत होती है, नहीं मिल पाता काफी काफी टाइम तक, फिर प्रिपरेशन उससे हैम्पर होती है, तो उससे अच्छा है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगी, ठीक है। आस एक्सपर्ट, जो भी वीडियोस आपको कोर्स वीडियोस मैंने आपको बताई थी छोटी छोटी, वहां पर एक आस डाउट करके एक टैब है, वहां पर आप तुरंत अगर आपको कोई डाउट है तो वहीं पर आप पोस्ट कीजिए उस वीडियो को लेकर, आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा, पर्सनल स्टडी प्लान मिल जाएगा आपको। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपका एक इंट्रो सेशन होगा, उसमें आपको एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान आपको दे दिया जाएगा, आपकी सुविधाओं को ध्यान रखते हुए, आपके लेवल को ध्यान रखते हुए, तो बड़ा अच्छा रहेगा वो भी आपके लिए। रेगुलर गाइडेंस है, स्ट्रेटजी है, मॉनिटरिंग है, ये तो आपको मिलने ही वाला है। इसके अलावा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा, ताकि आप उसमें, आप अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नहीं हो रहा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, वहां पर एग्जाम भी एक्सपर्ट्स होंगे, बच्चे भी रहेंगे, तो आपको वहां पर भी रेजोल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो ये इन फीचर से भरा ये पूरा कोर्स है, ये सभी हमारे सिलेक्शन से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप वहां पर लिंक पे क्लिक कीजिए, इस कोर्स में एनरोल कराइए और आज ही से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए गाइस, अब बहुत जरूरी है। एग्जाम नोटिफिकेशंस इन सब का वेट मत कीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए, इस लेवल पर पहुंचिए, ताकि आप सारे एग्जाम्स निकाल सके। टारगेट एक एग्जाम मत रखो, सारे एग्जाम निकलो, सारे एग्जाम निकालेंगे, हमारे सामने चॉइस होगी कि हम किस एग्जाम को, किस जॉब को चूज करते हैं। इस एटीट्यूड के साथ रहोगे, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।